ब्यावर के चांगचितार रोड पर स्थित मुरली कन्फेक्शनरीज के संचालक जयदीप राजवानी की दुकान में घुसकर लूटपाट करने और राजवानी के साथ मारपीट करने की घटना की ब्यावर व्यापार संघ और श्री सिंडी सेंट्रल पंचायत सोसाइटी ब्यावर ने आक्रोश जताया। घटना के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग को लेकर सभी व्यापारी और सिंधी समाज के लोग पीड़ित व्यापारी के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां पर पहुंचे सभी व्यापारियों और सिंधी समाज के लोगों ने लूटपाट और मारपीट करने वालों के खिलाफ आक्रोश जताते हुए आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग उठाई। आक्रोश प्रदर्शन के बाद ब्यावर व्यापार संघ और सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह चौधरी से मुलाकात करते हुए दुकानदार के साथ घटित प्रकरण की जानकारी देते हुए कहा कि मारपीट की घटना में शामिल एक युवक अपने आप को पुलिस एएसआई का बेटा बताते हुए दुकानदार को धमकाते हुए उसके साथ मारपीट कर डाली। उसने पदाधिकारी ने कहा कि विवाद के दौरान दुकानदार द्वारा माफी मांगने के बाद भी आरोपियों ने दुकान में घुसकर लूटपाट करते हुए सामान इधर उधर फेंक दिया। दुकानदार तथा उसका बीच बचाव करने भी पहुंचे और उसके भाई के साथ मारपीट भी हुई। इस दौरान सरेआम दुकानदार के साथ इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई। साथ ही शहरी क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों की वारदातों को लेकर भी व्यापार संघ ने एसपी से रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की मांग उठाई। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि वारदात में शामिल युवक जिस पुलिसकर्मी का नाम बता रहा है वह पुलिसकर्मी विगत दिनों से ही सेवानिवृत्त हो चुका है। एसपी चौधरी ने कहा कि आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में ब्यावर व्यापार संघ के संजकिया नरेंद्र जसवानी, हरिकिशन तिलुकानी, पार्षद मंगत सिंह मोनू, विजय लेंगानी, दिनेश सावलानी, सुरी सदनानी, हरगुण लालवानी, जय गोलावरवानी, राजेश गिदवानी, प्रकाश कुंदवानी, शैलेंद्र कुमावत, नबल सोमानी, राजेश भूतला, वासुदेव खत्री, कमलेश नौगानी, पीयूष मंगल, भगवान जिनकर, ईश्वर राजवानी, सुनील रंजानी, गौरव सक्सेना और शैलेंद्र कुमावत आदि शामिल रहे। एक वारदात चांगचितार रोड पर कन्फेक्शनरी के एक व्यापारी के साथ कुछ युवकों ने मारपीट करी थी किसी विषय के विवाद को लेकर। उस संदर्भ में बाजार में बहुत ज़्यादा व्यापारी में रोष व्याप्त था। आज उस रोष को देखते हुए सभी व्यापारी एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक साहब के पास आए, अपनी बात साहब को बताई और उनको सब सारे घटना की जानकारी दी कि साहब क्या हुआ, अगर कोई बातचीत थी, कोई विषय था तो उन युवकों को पुलिस के माध्यम से उस पर कार्रवाई करवानी चाहिए थी। लेकिन ये जो तरीका किसी भी दुकान के ऊपर चढ़ के मारपीट करना, लूटपाट करना, यह कहीं उचित नहीं है, किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। ब्यावर के सारे व्यापारीगण एक हैं, कभी भी भविष्य में इस तरह की वारदात वापस होती है तो उस पर व्यापारियों का गुस्सा बहुत समझ लीजिएगा, एक मैं कह दूँ कि फूटेगा तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि अतिरिक्त शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। के साथ साथ हम लोगों ने एक मांग और रखी कि सब जितनी भी चोरी की वारदात है ब्यावर के मुख्य मार्गों पे हो रही है, जैसे अजमेरी गेट पे हुई, फतेहपुरिया चौपड़ हुई, पाली बाजार हुई, चांगेट हुई, जितनी भी वारदातें हुई हैं बड़ी बड़ी चोरियाँ हुई हैं, कोई 2.40, कोई 1.40, कोई 5 लाख, कोई और कुछ, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक चोर पकड़े नहीं गए हैं। तो हमारा सबका निवेदन आज ये रहा कि साहब इस तरह की वारदातों पर कठोर कार्रवाई हो, पुलिस चाहे प्रशासन चाहे तो ये घटनाएं बंद हो सकती हैं, इन पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सकती है। ऐसी दोनों बातों पे हम लोगों ने आज उनसे मुलाकात करी है और साहब ने विश्वास दिया है कि इस पर अतिरिक्त शीघ्र कार्रवाई होगी और सभी व्यापारियों से निवेदन है कि जो आप लोगों में रोष व्याप्त है ये 3 दिन तक एक बार इंतजार करें, उसके बाद अपन इस पर वापस एक बार विचार करेंगे और क्या करना है इस पर वो भी एक्शन लेने पर विचार होगा। अतिशीघ्र भविष्य में इन सारी घटनाओं को देखते हुए, क्योंकि जिला बना है, काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी, काफ़ी कुछ परिवर्तन आएंगे, एक बहुत जल्दी व्यापारिक महासम्मेलन करने का भी विचार चल रहा है कि सारे व्यापारियों को एक छत पर लाके उस पर विचार करके और भविष्य में कैसे काम करना है इस पर विचार कर